नीचे की तरफ से चढ़ना स्टार्ट करेगा। इस सो एडवेंचर से कोई गाइड की नीड नहीं है भाई, वो अपने आप आ रहा है। लाइफ हमें कितना कुछ सिखाती है ना, टाइम कितना कुछ बदलता है और हम सीखते हैं चीज़ें। हम कभी कभी सोचते हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या हम राइट ट्रैक पर हैं कि नहीं, क्या हमें ये करना चाहिए। पर सारे क्वेश्चंस का आंसर ना हमारे पास होता है, फिर भी पता है हम सोचते हैं, हम बहुत सोचते हैं क्या हम सही ट्रैक पर हैं, क्या हम सही लाइन पकड़ रहे हैं। एक काम करो, खुद से पूछो क्या आपको ठीक लग रहा है वो, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड साथी निंजल। गुड मॉर्निंग विद दिस ब्यूटीफुल व्यू जो मेरे पीछे है, जो मेरे सामने है। एंड आई मीन बीर टुडे, दिस इज़ द लास्ट डे एक्चुअली इन द बीर। आई हैव कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स इन द बीर। आज भी बहुत कुछ कवर होने वाला बिकॉज आई एम गोइंग टू गो लेट आज। कल मुझे दिल्ली किसी भी हाल में पहुँचना है, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। दिस इज़ पोहा विद माई ब्रेकफास्ट एंड थैंक्स टू रॉकी हु एक्चुअली यू नो गेव मी दिस ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे। लोग यहाँ के ओनर है एक्चुअली। एंड लेट्स स्टार्ट विद द डे। तो हम जा रहे हैं बेंगलोरो वाटरफॉल। हमने चेकआउट कर दिया है अपनी बीर कैंप साइट से, और यहाँ के लिए हमारा कितना शेक कर रहा होगा भाई। सो गाइस, मैं हूँ बेंगलोरो वाटरफॉल के पास के ट्रैक में, आई मीन पास क्या ट्रैक पर हूँ। और पता है पहले ना यहाँ पे गाइड नहीं होते थे, पहले हम लोग ये पूरा रास्ता पैदल चल के जाते थे। अब इन्होंने नई चीज़ क्रिएट कर दी है, गाइड। पीछे मुझे गाइड बोल रहा है आप नहीं जा पाओगे मैडम, हमें गाइड की ज़रूरत है, देखते हैं वो नहीं क्या होता है। सो एक बार चल के देखते हैं कि गाइड की ज़रूरत सच में पड़ती है या फिर इन्होंने ऐसा कर रखा है। बिकॉज मैं लास्ट टाइम हम लोग काफ़ी ग्रुप में थे, सो वी पीपल टुक ईच अदर्स हेल्प हाथ उठाने में ये वो, क्योंकि इट्स टफ। आई स्टिल रिमेंबर इट्स टफ राइट नाउ आई एम विद माई ब्रदर। वैसे कुछ लोग आ रहे हैं, लेट्स आस्क हाउ इज द वाटरफॉल, कैसा है, अपने आप चले जा, अपने आप जा सकते हैं, गाइड ले लो, गाइड बेटर। ये तो तुम लोग गाइड के साथ गए थे, तो गाइड ने कितना चार्ज किया तुम लोगों से? हमसे तो लिया 300 बोले थे, हमने 500 दिए। अच्छा, 300 तो गाइड की जरूरत क्यों है, ऊपर क्या है ऐसा? थोड़ा ट्रेल पता है कहाँ कहाँ से चढ़ना है। अच्छा, थोड़ा ट्रेल है, मतलब उनकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, कुछ उस तरह का रास्ता है और यहाँ से कुछ इस तरह का रास्ता है। सो देयर इज सो मच चेंज, पहले ऐसा कम था, लैंड स्टार्टिंग के बाद देर इज़ अ चेंज नाउ, है ना? पहले ऐसा नहीं था ना लास्ट ईयर। मैं लास्ट ईयर अप्रैल में आई थी। क्या सर आप लोगों का एक्सपीरियंस? गाइड लेके नहीं गए? पैंट ऊपर हो जाती है आराम से ये वाली। अच्छा, व्हाई? आई मीन ही टुक अस टिल देयर बट कमिंग बैक ही टोल्ड अस टू सिट डाउन। अरे वो एक्चुअली तुम्हें भी पता, उसको कुछ मिल गया होगा कोई ना कोई टू हेल्प आउट। ऑल द बेस्ट, थैंक्स गाइस। सो गाइस, रास्ता कुछ इस तरह का है एंड इट्स गोना बी अ ग्रेट सफर। और ट्रैकिंग बूट्स के साथ है, सो सबसे बेस्ट चीज़ अगर ट्रैक बूट्स करो तो आप फिसलोगे नहीं, अदरवाइज आपके फिसलने के 101% चांसेस होते हैं। वैसे मेरे भाई के चप्पले है ना भाई, ये मेरे साथ साथ चल रहा है, इज़ अ गाइड। ये 17 साल का है, कितने साल का एक्सपीरियंस बताया तुमने? 5 साल का? 3 साल का। 3 साल से तुम लोगों को लेके जा रहे हो, वाह। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। रोहित सही है यार। रोहित क्या बनना चाहते हो तुम लाइफ में, क्या बनना चाहते हो तुम लाइफ में? देखते क्यों हैं, तुमने प्लानिंग्स नहीं करी? मैंने वाइट गलत पहन लिया आज। तो क्रॉक्स में किसकी ग्रिप आती है? लास्ट टाइम जो रास्ता था ना वो बहुत सिंपल था, नीचे से आता। लैंड स्लाइडिंग के बाद हम कुछ पाइपों में कूद के, पहाड़ों पे चढ़ के, कुछ चट्टानों को फांध के फिर चल रहे हैं। अभी तो ये फिर भी सिंपल हो गया, लिटरली ऐसी चट्टान से हम जूते निकाल रहे थे, लाइक चढ़ के निकल रहे थे। जितने करीब जाते जाओगे ना उतनी आवाज़ रिवर की आपको और आएगी। आई गेस यू कैन हेयर इट। सो
So how was your experience, guys? Good. Awesome. Too good. Yeah. सही है यार. So finally reaching यहाँ पे. मतलब इतनी पहाड़ियाँ पार करने के बाद और पता लोग कैसे क्रॉस कर रहे हैं इस जगह को. दिस इज द हिडन जेम एंड पानी का फ्लो चेक कर सकते हो कितना तेज है. लेट्स जस्ट रिमूव आवर शूज और चलते हैं अंदर की तरफ. गोइंग भाई आपकी इच्छा. तो गाइस यहाँ आने के बाद जूते उतारने पड़ते हैं क्योंकि आगे जो है वो रास्ता और स्लिपरी होता जाता है. पानी ठंडा है. वाह तुम पानी से नहीं जाने वाले. इनका सही है यार टूर गाइड्स का. यहाँ पे फाइनली इतना एडवेंचरस रास्ता जो हम लोगों ने क्रॉस किया वो इस वाटरफॉल के लिए किया जिसे कहा जाता है बंगलुरु वाटरफॉल. और ये यहाँ का हिडन जेम है बेसिकली बीर बिलिंग का. और लोग यहाँ पे गाइड लेकर आए तो ज़्यादा बेटर है. एक बार विजिट करना चाहिए अगर आप टूर गाइड हायर करो तो ज़्यादा बेटर है. और आते वक्त भी आपको टूर गाइड की पूरी ज़रूरत पड़ती है मतलब बेसिकली पानी वाले एरिया में क्योंकि पानी का लेवल बहुत 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 फास्ट है. पानी का लेवल हाई और फ्लो फास्ट है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू विद द नेक्स्ट व्लॉग. सो